हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के टॉप 10 क्वेश्चनों को आज की क्लास में हल करके दिखाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं या उनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए अक्सर इस प्रकार का सवाल भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है। एक बिंदु है हमारा जिसके निर्देशांक -3.4 है कि x अक्ष से दूरी होगी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार से करना है, हमसे कहा गया है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी होगी, x अक्ष से दूरी बराबर बिंदु बिंदु का y निर्देशांक। तो y निर्देशांक, ये जो बिंदु हमारा ये x होता है और y होता है इसमें, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। या ऐसा आप याद रख सकते हैं, जब पूछा जाए कि x अक्ष से दूरी, तो x को छोड़ना है, y का मान बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 2 है, बिंदुओं x कोमा y तथा -x, -y के बीच की दूरी होगी। तो ये भी देखिए एक बेहतरीन सवाल है, आज की क्लास में हमने सभी जो भी 10 क्वेश्चन लिए हैं वो सभी बेहतरीन सवाल है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दो बिंदुओं से बीच की दूरी से संबंधित एक प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए इसको करते हैं कि जब दो बिंदु दिए जाएं और उनके बीच की दूरी पूछी जाए, तो बीच की दूरी का सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x-x1 का x2 का होल वर्ग प्लस y1-y2 का होल वर्ग। अब हमें बिंदु दिए गए हैं, तो पहला बिंदु में ये हमारा है x1, पहले बिंदु में हो जाएगा ये हमारा x1 और ये y1, ये होता है x2 और ये y2। तो x1 का मान है हमारा यहां पर, x1 का मान है x माइनस और x2 का मान है -x। एक माइनस सूत्र में है, एक माइनस ये है, तो ये प्लस हो जाएगा घात 2 प्लस, ऐसे y1 का मान है y माइनस और y2 का मान भी माइनस है, तो यहां मान रखेंगे तो -, -, +, घात 2। आप देखिए एक जाति के हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा घात 2 प्लस, ऐसे यहाँ पर 2y की घात 2। अब इनका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस, ऐसे यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4y की घात 2। अब यहाँ पर कॉमन है 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² बराबर। अब देखिए 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको 2 × 2 इस प्रकार से लिखेंगे और एक जोड़ा बनेगा, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा x² + y²। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न 3 दिया है हमें कि बिंदु दिया हमें एक और इसकी y अक्ष से दूरी पूछी गई है। इससे पहले हमने इसका मिलता जुलता सवाल कराया था, वहां पर x अक्ष से दूरी पूछी थी और इस प्रश्न में हमसे कहा गया है y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी बतलानी है हमें, ये x होता है और ये y, तो जब y अक्ष से पूछी जाएगी तो y को छोड़ना है हमें, x का मान बतलाना है, तो क्या हो जाएगी -3।
ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न चार दिया हमें, यदि बिंदु Q तथा R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक ये हैं, तो A का मान होगा। चार ऑप्शन दिए हमें, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, तो आइए करते हैं इसको। तो ये लिखेंगे बिंदु O Q तथा R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, और y के निर्देशांक होते हैं, y निर्देशांक के होंगे y1 प्लस y2। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो हम x के निर्देशांक ज्ञात करेंगे बराबर, यानी x1 प्लस x2 बटा 2। यहाँ से x1 और x2 के मान क्या होंगे, यहाँ पहले बिंदु में होता है x1 y1 और यहाँ पर होगा दूसरे बिंदु में x2 y2। तो x1 का मान क्या आ जाएगा, x1 का मान आएगा -6 प्लस x2 का मान आएगा -2 और बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे जो मध्य बिंदु इसका P है, P क्या है, रेखाखंड का मध्य बिंदु है ये, तो यहाँ ये x है और ये y होगा, तो x अक्ष के निर्देशांक इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें A का जो मान है वो x अक्ष मान लिया है, तो हमने x के निर्देशांक ले लिए, ये हो जाएगा A बटा 3। इसको हल करेंगे, ये A बटा 3 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे -6, ये प्लस माइनस यानी 2 आ जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा A बटा 3, समान चिन्ह जोड़ जाएंगे -8/2, 3 का गुना कर देंगे तिरछा, तो A यहाँ रह जाएगा -8 × 3/2, 2 से भाग कर देंगे 8 में, 2 × 8 -4 × 3, तो ये आ जाएगा -12, A का मान आया -12, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, बिंदु जिसके निर्देशांक है -6.8 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, हर साल पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा में एक नंबर बहुविकल्प में, तो मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है हमसे, तो आइए इसको भी हल करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर के बिंदु पी -6.8 इसके निर्देशांक है तथा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0.0 से दूरी, तो इसका सूत्र है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंडर रूट x1 − x2² प्लस y1 − y2². तो x1 का मान ये हो जाएगा यहाँ पर x1 और ये y1, यहाँ हो जाएगा x2/2, तो x1 का मान है -6 और x2 का मान है 0² प्लस y1 का मान है 8 माइनस और y2 का मान है 0, इनका वर्ग और वर्गमूल, -6 बचेगा यहाँ से बचेगा 8 और इसका वर्ग, तो -6 का वर्ग प्लस हो जाएगा 36 और प्लस 8 का वर्ग 64, दोनों को प्लस करेंगे बन जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट x² + y², तो ये बिंदु दिया हमें, तो x का मान है -6² प्लस 8² और उसका वर्गमूल, ये हो जाएगा +36 प्लस 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 और 100 का वर्गमूल 10। आगे प्रश्न 8 है,
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मानेंगे यहाँ के माना उस बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई है जो रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहां पर जो बिंदु दिए गए हैं हमें, ये तो ये हो जाएंगे x1 का मान है -1 और y1 का मान है 7। इसी प्रकार से x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान होगा -3। अनुपात दिया है हमें, अनुपात 2:3, तो यहाँ पर m1 का मान होगा 2 और m2 का मान होगा 3। तो विभाजन का सूत्र लगाएंगे यहाँ, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का होगा, y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 2 गुना x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुना x1 का मान है -1 बटे 2 प्लस 3। हल करेंगे इसको, 4 × 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 बटे 5, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, m1 का मान है 2 गुना y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 बटे m1 का मान 2 m2 का मान 3, ये 2 प्लस 3 गुना करें तो -6 हो जाएगा और प्लस 7 दिया 21 बटे 3 × 2 = 5 हो जाएगा। 21 में से 6 कम करो तो 15 बचेगा बटे 5, ये आ गया वाई का मान। तो अतः है, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 15 तो वाई का मान आ गया 3। अतः है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक जो हमने माने थे x, y, तो x का मान हमने लिया है 1 और y का मान आया है 3, यही हमारा आंसर हो जाए। आगे प्रश्न 9 है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 10 दी है। तो देखिए भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब के हमें क्या दिया है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है यानी वाई का मान हमें ज्ञात करना है और बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी है 10 मात्रक और वाई का मान हमें ज्ञात करना है बिंदुओं पी जिसके निर्देशांक है 2, -3 तथा क्यू 10, y, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दी है, y का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है √(x1 − x2)² + (y1 − y2)² अब ये दूरी आपका दी है कितना, 10,
बराबर एक्स वन का मान कितना हो जाएगा, यानी ये कमरा है इसमें पहला व्यक्ति एक्स नाम का है और दूसरा जो व्यक्ति है वो वाई नाम का है। कमरे दो हैं तो इसलिए हमने बंटवारा एक्स वन वाई वन में बांट लिया। दूसरे कमरे में एक्स टू नाम का व्यक्ति है और वाई टू नाम का व्यक्ति है, तो एक्स वन का मान है 2 माइनस एक्स टू का मान 10 घात 2 प्लस वाई वन का मान माइनस के 3 और वाई टू का मान है माइनस वाई, इसका वर्ग और पूरे का वर्ग मूल 10 ऐसे चलता रहेगा बराबर। अब क्या करेंगे, ए यहाँ तो संख्या है दोनों घट जाएगा तो माइनस 8 इसका वर्ग प्लस यहाँ ए माइनस बी की घात 2 से प्रसार करेंगे तो ए की घात 2, तो देखिए आपका ए की वैल्यू माइनस में लेंगे यहाँ तो माइनस 3 का वर्ग माइनस 2 गुना ए का मान, ए का कार्य माइनस 3 कर दिया गुना बी का वाई प्लस बी की घात 2। अब 10 ऐसे ही चलेगा बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस 6y प्लस y की घात 2 10 बराबर ऐसे चलेगा, ये जुड़ जाए तो हो जाए 73 प्लस 6y प्लस के y की घात 2। अब यहाँ से वर्ग ये अंडर रूट का चिन्ह हटाएंगे तो वर्ग करेंगे दोनों ओर का, वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग बराबर यहाँ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 73 प्लस 6y प्लस y की घात 2, ये हो जाएगा वर्ग करने पर 100 बराबर 73 प्लस 6y प्लस y की घात 2। 100 का पक्षांतर करेंगे और इसको सही रूप में लिखेंगे यानी घातों के घटते क्रम में, y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73 और 100 का पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, ये हल करेंगे घटा लेंगे तो माइनस के 27 बचेगा। अब ये बन गया 2 घात का समीकरण। तो अब ऐसी दो संख्या देखनी, पहले पद का गुणांक और लास्ट वाला पद माइनस 27 आ रहा, 9 3 27 यानी 9 प्लस 3 माइनस इन दोनों की गुना 27, हल करें तो 6 आना चाहिए बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y अंदर प्लस हो जाए 3 9 27 बराबर 0। ये और ये समान होने चाहिए हमारे तो गुणनखंड सही है। अब y प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, जब x प्लस 9 बराबर 0 तो 9 माइनस हो जाएगा, फिर y माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा तो y के 2 मान आ गए माइनस 9.3, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 है यानी लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, और हमें कहा गया कि यदि बिंदु A B C D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान होगा। ये भी देखिए बहुत ही मोस्ट सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए 2025। तो एक समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो A के निर्देशांक है 6.1, B के हैं 8.2 और C के हैं 9.4 और D के हैं 3.3। P का मान हमसे पूछा गया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक
बराबर होंगे बी डी विकर्ण, बी डी के मध्य बिंदु, मध्य मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला x1 x2 बटे दो कोमा y1 y2 बटे दो बराबर, ये विकर्ण BD के लिए हो जाएगा x1 x2 का वर्ग बटे दो और y1 प्लस y2 बटे दो। तो पहला विकर्ण हम देखेंगे AC, तो AC ये है, तो AC में x1 y1 ये हो जाएगा x2 by 2। तो x1 का मान कितना है 6 और x2 का मान कितना है 9 बटा 2। अब y में आ जाइए, y1 का मान 1 है और y2 का मान है 4, यानी 1 प्लस 4 बटे 2। अब विकर्ण हमें देखना है BD, तो ये x1 y1 और ये x टू बाई टू। तो विकर्ण BD में x1 है 8 प्लस x2 है p बटा 2 कोमा y1 है 2 प्लस और y2 है 3 बटा 2। हल करेंगे, हल करने पर ये आ जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15 बटा 2 कोमा 5 बटा 2 और यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस पी बटा 2 ये हो जाएगा 5 बटा 2। अब इनकी तुलना करेंगे, यानी x की पहले पद से और दूसरे की दूसरे से, तो हमें p का मान लेना है, तो ये आ जाएगा इसलिए 15 बटा 2 बराबर 8 प्लस पी बटा 2। तो 2 का इधर गुना करेंगे, 15 गुना 2 बटा 2 बराबर बचेगा 8 प्लस पी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 15, 8 का पक्षांतर है तो माइनस हो जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 7 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास का लास्ट सवाल था। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।